ओके सो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने अगर अपन स्टार्ट करें तो ग्रिगर जॉन मेंडल और ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स और ही इज़ ए एक्सट्रीमली जीनियस पर्सनालिटी। मतलब इसमें क्योंकि आज अपने को जो चीज़ें पता है वो उस वक्त बिल्कुल ही कुछ आइडिया नहीं था, और उस बगैर किसी आइडिया के बगैर ये पता किए कि कोई चीज़ डिप्लॉयड होती है, क्रोमोसोम उसका पता नहीं था, माइटोसिस मियोसिस का कोई अंदाज नहीं था, उस वक्त ये कंसेप्ट देना वॉज ट्रिमेंडसली इम्पॉर्टेंट। और वो कंसेप्ट देना अपने आप में एक ऐसा इशू था जिसको कि ग्रिगर जॉन मेंडल ने किया, और इसीलिए आज उनको अपन फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, एंड ही रियली डिजर्व दैट। एक हमेशा इशू रहता था जब मैं पढ़ता था तो मुझे हमेशा ऑस्ट्रिया जब आता था तो मुझे ऑस्ट्रेलिया लगता था, तो मैं इसलिए स्लाइड डाला हूँ कि कम से कम लोगों को ये पता है कि वो इट्स नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑस्ट्रिया, और ये जो है वो यूरोपियन कंट्री है और यहीं पे उन्होंने काम किया था। ऑल दो ही वॉज बॉर्न इन चेकोस्लोवाकिया, जो आज चेकोस्लोवाकिया है, उसके बाद देन ही वर्क इन ऑस्ट्रिया, राइट। अगर आप इसके ओरिजिनल पेपर देखो, क्योंकि अगर आप पेपर देखोगे तो आपको बड़ा अंदाज आएगा कि जितने भी लॉज हैं उसके ओरिजिनल पेपर में लॉ नाम से कोई चीज़ नहीं है। न उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, न उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया, न उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया। ये सब अपनी उस पेपर के बारे में इंटरप्रिटेशंस हैं, और इसीलिए अपन अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको लगता है तो ये जो ओरिजिनल पेपर है इसको आप पढ़ें, और ये इसमें लिंक दी हुई है, सो यू कैन जस्ट गो देयर एंड लुक इनटू द इंग्लिश वर्जन ऑफ दैट ओरिजिनल पेपर। और इस पेपर में अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत मेंडल्स की लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1822 और एक फार्मिंग सोसाइटी से था, बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे, बड़ा मुश्किल से उन्होंने पढ़ाई की, काफ़ी स्ट्रगल रहा इनके लाइफ में, और हालांकि इसमें सब पॉइंट दिए हुए हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। इसके जो खास पॉइंट रहा था वो ये कि इन्होंने पूरी स्टडी जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ही है, और इनका जब टीचिंग भी करते थे ये बाद में, ही वॉज ए टीचर ऑल्सो, तो वो फिजिक्स पढ़ाया करते थे। और इनका ज़्यादा नाम जो है वो अगर आप ये देखें तो ही एक्चुअली फाउंडेड है ऑस्ट्रियन मेटेरोलॉजिकल सोसाइटी। इनके मेंडल ने तो एक दो पेपर ही जेनेटिक्स के ऊपर है, मतलब बाकी रेस्ट ऑफ द पेपर्स आर बेस्ड ऑन हिज मेटेरोलॉजिकल सोसाइटी, और काफ़ी कुछ फिजिक्स और इस सोसाइटी के बारे में ही उनकी चीज़ें हैं। मेंडल ने जो बड़ा फेमस एक वर्क रहा है, सो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन पीस, जिसको अपन मटर कहते हैं, 1856 से 1863 तक उनका पूरा काम था, और इसी दौरान उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उसका पूरा एनालिसिस या पूरा जो वर्जन है वो उनके ओरिजिनल पेपर में है, और वो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने कैसे उसको वर्क किया और कैसे उसको क्या फाइंडिंग थी। हालांकि प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर मेंडल के पहले या मेंडल के साथ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कि इस वर्क को या हाइब्रिडाइजेशन वाले जो वर्क थे या इनहेरिटेंस के पैटर्न को समझने की बहुत लोगों ने कोशिश की। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसमें कि ये पूरे लिस्ट है मैंने आपको दिए, कॉलरेटर हैं, हर्बर्ट हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, और कुछ लोगों ने तो इवन पी के ऊपर भी काम किया था, जैसे इन्होंने क्रॉस एक्सपेरिमेंटली वेरियस स्पीसीज ऑफ पी। और इसके मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि अधिकतर लोगों ने जितने भी एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स थी उसको मैथमेटिकल एनालिसिस करने के बजाय कुछ और तरीके से उसको एनालाइज करने की कोशिश की, इसलिए कोई बहुत सॉलिड कंक्रीट कंक्लूजन वो नहीं निकाल पाए, एंड दैट्स डिफरेंस बिटवीन मेंडल एंड अदर वन। अगर अपन एक खास बात शुरू यहाँ से करें कि मेंडल का जो वर्क था वो उस वक्त क्या था, मतलब मेंडल ने जब वर्क स्टार्ट किया था तो तब लोगों के आइडिया क्या थी। तो ड्यूरिंग मेंडल्स ओन लाइफ टाइम अधिकतर बायोलॉजिकल जो बायोलॉजिस्ट थे वो ये समझते थे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इनहेरिटेंस हैं वो एक ब्लेंडिंग पैटर्न पे हैं। ब्लेंडिंग पैटर्न का मतलब ये कि अगर सपोज करो कि कोई टॉल है और उसका दूसरा जो पेरेंट है वो ड्वार्फ है, तो इन दोनों को अगर अपन क्रॉस कर दें तो आपस में कोई इंटरमीडिएट टाइप का प्लांट अपने को मिलना चाहिए। ब्लेंडिंग का मतलब लगभग वैसा ही है जैसे मैंने इसमें लिखा है
पर्टिकुलर नेचर ऑफ पार्टिकुलर नेचर ऑफ इनहेरिटेंस वॉज नॉट थॉट अबाउट. ऐसा लगता है जैसे कि कोई दो पेरेंट कुछ तो भी लिक्विड कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई तो भी फ्लूइड कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो अगले जनरेशन में जो है वो मिक्सअप हो जाता है. जैसे कि आप अगर दूध को पानी के साथ मिक्स कर दें तो वो दूध और पानी मिला के हो जाता है. तो वैसा ही लगभग एक कंसेप्ट था कि जो इनहेरिटेंस हैं, जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल फीचर्स हैं या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, जो कि शायद नहीं पता था उस वक्त, तो वो एक कोई लिक्विड टाइप का है जो कि आपस में ब्लेंड करता है और अपने को नेक्स्ट जनरेशन में जो फीचर्स मिलते हैं वो ब्लेंडिंग के इफेक्ट के तौर पर मिलते हैं. ऑल्दो मेंडल ही हिमसेल्फ वेरी टिपिकली प्रूव्ड कि ऐसा मतलब पूरे पेपर में आखिरकार अपन ये निकालते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के तौर पे कि ब्लेंडिंग टाइप नहीं है ना वो लिक्विड है, बट इट इज़ पार्टिकुलेट इन नेचर. कोई तो भी पार्टिकल है, कोई सॉलिड चीज़ है जो कि उसको अफेक्ट कर रही है. तो ये उसका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था. अफकोर्स यू नो कि बाकी बाद में तीन लोग हैं जिन्होंने कि डिवेरिस है, कोरेंस हैं, और बाकी दो तीन लोग हैं जिन्होंने इस मेंडल को फिर से वर्कआउट किया और फिर से पूरा का पूरा बड़ा जाना जाता है. इसी वक्त के लगभग अगर उसके साथ में कंटेम्प्रेरी लोगों की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली क्रोमोसोम के ऊपर भी वर्क चल ही रहा था. माइटोसिस मियोसिस के बारे में भी लगभग वो 1876 या 1883 के लगभग लोगों ने मियोसिस के ऊपर काम करना शुरू किया. बट रिमेंबर कि मियोसिस माइटोसिस की नॉलेज जब मेंडल वर्क कर रहे थे तब नहीं थी, ये उसके बाद की है. राइट, सो मेंडल्स वर्क अगर आप देखें ओरिजिनल पेपर में तो उनकी जो हेडिंग्स हैं वो भी कुछ इसी तरीके से हैं. द एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स मस्ट नेसेसरली कंटेंस वॉट, एटलीस्ट जो भी प्लांट उन्होंने लिया अपन उसके बारे में बात करेंगे कि मटर वो कौन सा था, मटर की स्पीसीज कौन सी थी. तो इसमें अगर ये देखें तो इट शुड हैव कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, वेरी क्लियर कट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. जैसे उन्होंने 5-7 अलग अलग कैरेक्टर लिए थे वो कौन कौन से थे, और साथ ही में हाइब्रिड ऑफ सच प्लांट मस्ट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग पीरियड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल फॉरेन पोलन. मतलब ये कि सेल्फिंग हो सके, प्रॉपरली सेल्फिंग होगी, कोई क्रॉस पोलिनेशन ना हो जिससे कि उसकी प्रोजेनी जो है ढंग से अपन रिकॉर्ड कर सकें. और हाइब्रिड एंड देयर ऑफस्प्रिंग शुड नॉट सफर एनी मास डिस्टर्बेंस इन देयर फर्टिलिटी. अगर अपन दो अलग अलग वाइट स्पीसीज को क्रॉस कर लेते हैं तो अगली जनरेशन जो होती है वो स्टराइल भी आती है. अगर वो स्टरलिटी आती है, कि अगर 50% भी स्टरलिटी आती है तो जो रेशियो है वो अपने को प्रॉपरली नहीं मिलेगा. इसलिए इट शुड बी वेरी क्लियरली नोन कि जो क्रॉस बना रहे हैं तो अगली प्रोजनी भी बराबर पूरी की पूरी 100% सही हो. सो ऑल्दो ये पेपर में लिखा नहीं है परंतु वही एज्यूम कि सो द कैरेक्टर शुड हैव 100% पेनिट्रेंस एंड फुल एक्सप्रेसिविटी. मतलब ये कि अपने को पॉपुलेशन में 100 अगर कोई जीन प्रेजेंट है तो उसका फिनोटाइप भी अपने को अकॉर्डिंगली दिखना चाहिए. तो चॉइस ऑफ मटेरियल, हमेशा अपन ये कहते हैं कि मेंडल ने मटर के ऊपर काम किया, सो पाइथम से टाइम इज द वन ऑन विच ही वर्क. परंतु अगर पेपर देखें तो उसमें ये लगता है कि शायद उनके पास कोई सब स्पीसीज भी थी पाइथम सटाइवम के अलावा, पाइथम क्वाड्रेटम या पाइथम सेक्रेटम सेक्रेटम एंड पाइथम अम्बेलुलाटम भी शायद उन्होंने यूज़ की थी. प्रॉब्ली उन्होंने एक बहुत क्लियर कट लिखा भी है कि इट हार्डली मैटर्स कि वो क्या है, द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी कभी क्रॉसेस बनाते हैं तो उसकी प्रोजेनी जो है वो 100% फर्टाइल आती है. बट प्रॉब्ली ही वर्क ऑन दीज मटेरियल एज वेल. कैरेक्टर जो लिए थे वो ऐसे वाले थे, सीड के बारे में, कलर ऑफ द सीड कोट, पॉट के बारे में, और उसकी पोजीशन ऑफ द फ्लावर और लेंथ ऑफ द स्टेम. अगर आप इसी को पिक्टोरियल फॉर्म में देखें तो आपको दिखता है कि राउंड और रिंकल्ड है, येलो और ग्रीन है, ग्रीन और येलो है, फुल और फ्लेटेड है. तो ये बिल्कुल बहुत कॉन्ट्रास्टिंग क्लियर कट ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे. इसमें कोई जैसे टॉल और ड्वार्फ है, तो टॉल जो था वो करीब करीब 6 फीट टॉल है और शॉर्ट जो है वो लगभग 1 फीट का शॉर्ट प्लांट है. तो उसमें कोई डाउट नहीं. मतलब जैसे टॉल में भी क्या होता है, टॉल भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 5.5 फीट भी है, 6 फीट हाइट है, 6.5 फीट हाइट है, तब भी वो बराबर क्लासीफाई हो रहा है इनटू टॉल. और शॉर्ट है तो वो हो सकता है कि वो 11 इंच, 12 इंच, 13 इंच का है, तब भी वो शॉर्ट में क्लासीफाई हो रहा है. तो अपने पास एक क्लियर कट क्लास है जिसमें कि अपन उसमें मिक्सिंग नहीं हो रही है. सो इसलिए ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर कट और डिस्क्रीट क्लास में सेग्रीगेशन दिख रहा है. राइट, सो व्हाट ही स्टार्टेड विथ इज कि उन्होंने जब इन कैरेक्टर्स को लिया तो दो पेरेंट जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कॉन्ट्रास्टिंग है, से फॉर एग्जाम्पल टॉल या ड्वार्फ, या फिर राउंड और रिंकल्ड. तो राउंड और रिंकल्ड को जब अपन क्रॉस करते हैं
तो उसके बाद उसकी प्रोजेनी दिखती कैसी है। इसी पे से जो कंसेप्ट आया अपने पास डोमिनेंट और रिसेसिवनेस का, वो यही है कि जब भी कभी दो पेरेंट्स को जो कि आपस में कैरेक्टर में डिफरेंट हैं, राउंड और रिंकल्ड हैं, एक पेरेंट अगर राउंड है और दूसरा पेरेंट अगर रिंकल्ड है, इन दोनों का अपन क्रॉस बनाते हैं, तो F1 जनरेशन जो आती है वो उसमें जितने भी अपने पास सीड मिलते हैं वो सब के सब राउंड मिलते हैं। दिस इज वॉट इज सेड, पूरा डेटा दिया है कि कितने प्लांट को अगर क्रॉस करो तो कितने सीड मिलते हैं, और उनमें ये देखा कि जितने भी प्लांट हैं, जितने भी सीड आते हैं वो सब के सब राउंड आते हैं। तो देन ही सेड कि ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं कि जो कि F1 में दिखते हैं, F1 हालांकि ना टर्म उन्होंने नहीं दिया, तो कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसमिटेड आइदर ऑलमोस्ट अनचेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन एंड देयर फोर इन देमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट द कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड आर टर्म्ड एज डोमिनेंट। जो दिख रहा है वो डोमिनेंट, जो नहीं दिख रहा है वो रेसेसिव। सो वॉट ही सेड बिकम्स लेटेंट। लेटेंट मतलब ये कि वो दिख भले ही नहीं रहा है परंतु है, मतलब ये कि वो पार्टिकल है, भले दूसरे के प्रेजेंस में वो दिख नहीं रहा है परंतु इट स्टिल रिमेन्स देयर, ब्लेंड नहीं हुआ है। सो वन वन ऑफ द अलील इज डोमिनेंट एंड अनदर अलील इज रेसेसिव। इसी के बाद सो ऐसे जितने भी मेंडल के कैरेक्टर थे, साथ में थे राउंड सीड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, एंड ग्रे इज डोमिनेंट ओवर अदर ट्रेड्स। सो ये जितने भी डोमिनेंट ट्रेड्स थे उसकी बनाई थी। सो दीज आर द डोमिनेटेड। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट कम्स इज कि जो इसके बाद की जनरेशन आती है, द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम द हाइब्रिड दैट इज F2, जिसको आज अपन F2 कहते हैं, इन दिस जनरेशन देयर रीअपियर्स टुगेदर विद द डोमिनेंट कैरेक्टर। मतलब कौन सा, जो जो कैरेक्टर नहीं दिख रहा था, जो रेसेसिव कैरेक्टर था, दैट अगेन रीअपियर्स। एंड नॉट ओनली इट रीअपियर्स बट इट इज रीअपियरिंग इन अ टिपिकल रेशियो, एंड दैट रेशियो इज 3:1। सो जो डोमिनेंट है वो 3 दिखेंगे, रेसेसिव है वो 1 दिखेगा। सो 3:1 का रेशियो दिख रहा है। सो F2 में आपको 3:1 रेशियो दिख रहा है। दिस इज वॉट द डेटा सेज कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में करें, से फॉर एग्जाम्पल फॉर्म्स ऑफ द सीड, सो आउट ऑफ 7,324 सीड्स ऑफ 10, 5,474 वेर राउंड एंड 1,850 वेर रिंकल्ड, विच इज वेरी क्लोज टू अ रेशियो ऑफ 3:1, जैसे 2.96:1, विच इज वेरी क्लोज टू 3:1। कलर ऑफ द एल्ब्यूमिन, अगर वो येलो और ग्रीन की बात करते हैं तो येलो और ग्रीन में भी अगर आप देखें तो लगभग 6,000 में से 8,000 में से 6,000 येलो हैं और 1,000 जो है वो ग्रीन है, विच गिव्स अ वेरी गुड रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 का रेशियो उसमें मिलता है। सो विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू 3:1 के रेशियो का क्या मतलब निकलता है। अब इस 3:1 के रेशियो को फिर से ये प्रूफ करने के लिए कि वो एक हिटरोजाइगस या होमोजाइगस है, इसी के लिए F2 से एक नेक्स्ट जनरेशन जनरेट की, तो इन्होंने इसको कहा सेकंड जनरेशन ऑफ द हाइब्रिड्स। सो अमंग 565 प्लांट्स रेज फ्रॉम द राउंड सीड, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली राउंड सीड, जो कि एक पार्ट था 3:1 में से केवल जो राउंड सीड्स हैं। अब इसमें से अगर देखें तो 193 वेयर सच प्लांट्स जो कि एज सच केवल राउंड ही प्रोजेनिस बनाते हैं, और 372 ऐसे प्लांट्स थे जिसमें से कि वो फिर से सेग्रीगेट होते हैं। सो दे आर सेग्रीगेटिंग। सो द नंबर ऑफ हाइब्रिड्स, जो नंबर ऑफ हाइब्रिड्स जो कि ओरिजिनली राउंड थे, उसमें से अगर उन राउंड की बात करें तो उसमें से 2:1 का रेशियो आता है कि जो कि टू वो जो सेग्रीगेट कर रहे हैं, 1 वो जो कि सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं। पूरे को अगर अपन एक पिक्टोरियल फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो लेट अस सी इज राउंड और रिंकल्ड सीड कैसा दिखता है। सो अपन एक राउंड सीड को रिंकल सीड के साथ क्रॉस किया, तो जीनोटिपिकली आज अपने को पता है कि वो दो दो अलील्स होते हैं, एक इसमें यूजुअली डिप्लॉयड होता है स्पीसीज, तो डिप्लॉयड स्पीसीज में अपन दो अलील को लिख सकते हैं क्योंकि दो दो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए दो दो अलील लिखे जाते हैं, तो कैपिटल आर या स्मॉलर स्मॉलर रिंकल सीड के लिए लिख सकते हैं। इस वाले प्लांट में जब गैमेट्स बनेंगे तो नेचुरली वो मियोसिस से ही बनते हैं, और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, तो नेचुरली दो क्रोमोसोम में से एक ही क्रोमोसोम आएगा, तो जो एक क्रोमोसोम आएगा उसके ऊपर एक अलील वहाँ पर होगा, और इसीलिए ये जो बनेगा, सो जो गैमेट्स बनेंगे वो एक हैप्लॉयड होंगे, और साथ ही में चूंकि वो एक गैमेट है तो जीनोटाइप से डिफरेंट करने के लिए उसको सर्कल करना होगा। सो इस प्लांट से बनने वाला गैमेट कैपिटल आर होगा, इस प्लांट से बनने वाला गैमेट स्मॉल आर होगा। ये दोनों जब आपस में फर्टिलाइजेशन होगा, इन दोनों गैमेट का आपस में जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो नेचुरली ये F1 सीड बनाएगा जो कि हिटरोजाइगस होगा।
सो इस हिटरोजाइगस में दोनों ही अलील जो हैं वो डिफरेंट हैं. सो ये F1 प्लांट जो होगा, सो F1 प्लांट विल बी हैविंग वन पर्टिकुलर ट्रेट जो कि इसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर अपन राउंड और रिंकल्ड को क्रॉस करते हैं तो F1 प्रोजनी में सभी सभी जितने सीड मिलते हैं वो राउंड होते हैं. और इसलिए अपन इसको राउंड, चूंकि वो F1 में अपने को राउंड दिख रहा है इसलिए अपन ये कह रहे हैं कि राउंड सीड इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड सीड. अब नेक्स्ट जनरेशन की बात आती है कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द F1 वो ये है कि अगर अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सेल्फिंग ऑफ F1. तो सेल्फिंग ऑफ F1 का मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद कैपिटल आर स्मॉल आर. तो कैपिटल आर स्मॉल आर वर्किंग एज फीमेल, कैपिटल आर स्मॉल आर वर्किंग एज मेल. नेचुरली फीमेल गैमेट यहाँ से बनेंगे, मेल गैमेट यहाँ से बनेंगे. सो गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस. सो कैपिटल आर अगर ये फीमेल है तो इससे दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर. इस मेल से भी कैपिटल आर और स्मॉल आर. एक्चुअली यही पर ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन करता है. सो व्हाट लॉ ऑफ इज द टू अलील्स ऑफ ए जीन सेपरेट. सेपरेट मतलब ही सेग्रीगेट, सेग्रीगेशन का मतलब ही सेपरेशन होता है. सो द टू अलील्स ऑफ ए जीन, एक जीन कौन सा, आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके दो अलील हैं. सो द टू अलील्स ऑफ ए जीन सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. बस इतना ही लॉ है ये. पर चूंकि अब क्या होगा कि इस वक्त चूंकि ये गैमेट है अपन उसको देख नहीं सकते. अगर आपने कभी फील्ड में देखा होगा तो पोलन है, तो पोलन आपको सबके सब से डस्ट टाइप के दिखते हैं. आपको उसमें कैपिटल आर किसमें है किसमें स्मॉल आर है आप उसको देख के पता नहीं कर सकते. तो ये कैसे प्रूफ होगा कि ये कैपिटल आर और स्मॉल आर सेपरेट हो गया है. आगे की जनरेशन उसको प्रूफ करने के लिए काम आती है. सो द लॉस इज कि दोनों अलील सेपरेट हो गए हैं. सो द टाइम बिंग अपन ये मान लेते हैं कि कैपिटल आर स्मॉल आर बन गया. तो कैपिटल आर स्मॉल आर बन गया तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर फीमेल के गैमेट, ये कैपिटल आर स्मॉल आर मेल के गैमेट. इसी तरह से आगे चलते हैं तो एक चेकरबोर्ड अपन बना सकते हैं जो कि F2 जनरेशन को बनाने के लिए काम आ रहा है. तो फीमेल के दो गैमेट थे कैपिटल आर स्मॉल आर, मेल के दो गैमेट थे कैपिटल आर, और फीमेल का कोई भी गैमेट मेल के किसी भी गैमेट के साथ में फर्टिलाइज हो सकता है. और इसीलिए अपने को चार कॉम्बिनेशन मिलेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर. ये तो हो गया इसका. सो ये अपने को फिनोटिपिकली अपने को ये 3:1 का रेशो बता रहा है. सो ये भी राउंड होगा, ये भी राउंड होगा, ये भी राउंड होगा, और ये अकेला जो होगा जो कि रिंकल सीड प्रोड्यूस करेगा. सो इन F2 विल गेट अ रिंकल सीड अगेन. सो देयर इज नो ब्लेंडिंग. सो यहाँ पर चूंकि ये रिंकल सीड मिल रहा है, रिंकल सीड मिलने का मतलब ये है कि अगर वो पार्टिकुलेट है तभी वो नहीं मिल रहा. अगर ये ब्लेंडिंग होता तो ये अपने को एज सच रिंकल नहीं मिलता. सो ही वॉज वेरी पर्टिकुलर इन टेलिंग कि ब्लेंडिंग ना होके जो उस वक्त की कंटेम्प्ररी थिंकिंग थी उसको हटा के उन्होंने पहली बार कहा कि नहीं, देर इज सम दिस इज ए पार्टिकुलेट इन नेचर. सो फॉर फिनोटिपिकली जो 3:1 का रेशो F2 में मिलेगा. परंतु ये तो अपन ने तब भी कह दिया, अब अपने को क्या पता कि कैपिटल आर स्मॉल आर है. ये जो तीन राउंड मिल रहे हैं तो तीन राउंड में से अपन ने इसको लिख तो लिया कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर. तो ये अगर इसी को अपन फील्ड में देखें तो आपको कुछ प्लांट होंगे ना, नेचुरली अपन फील्ड में अगर लगाते हैं तो बहुत सारे प्लांट होंगे, केवल चार ही नहीं होंगे. तो अगर इसमें से देखें, सपोज करो कि अपने पास करीब करीब 32 प्लांट हैं, तो इस 32 प्लांट में से आपको क्या दिख रहा है, करीब करीब 8 प्लांट ऐसे हैं जो कि रिंकल्ड सीड वाले हैं और बाकी के 24 प्लांट जो है वो लगभग राउंड सीड वाले हैं. तो ये आपका राउंड सीड है. तो आप इसको अगर लगभग काउंट करें तो 24 यहाँ पे राउंड सीड हैं, 8 जो है वो रिंकल्ड सीड हैं. और इसलिए आपको जो ओवरऑल रेशो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 3:1 का रेशो आपको फिनोटिपिकली मिल रहा है. तो ये तो हो गया आपको F2 प्लांट. परंतु इस F2 प्लांट को देखने से ये नहीं पता पड़ता कि कैपिटल आर है या वो कैपिटल आर स्मॉल आर है. इसको पता करने के लिए मेंडल ने उसको सेल्फ किया, एक एक प्लांट की को सेल्फ किया. तो जो भी प्लांट है, जो भी उसका जीनोटाइप है, उसको उसी से क्रॉस किया. तो क्या होता है कि अगर रिंकल्ड को रिंकल्ड से क्रॉस करो या उसको सेल्फ कर दो तो एक प्रोजनी ग्रो की. तो इसको बोलते हैं प्रोजनी रोज. एक प्लांट की ये पूरी प्रोजनी. ऐसे इसमें बहुत सारे प्लांट हो सकते हैं, मैंने केवल चार बनाए हैं, बट इट कैन बी हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना. तो इस तरह से ये बहुत सारे प्लांट हो गए. ऐसे ही इस प्लांट को अगर आप सेल्फ करो तो इतने आपकी प्रोजनी हो सकती है. दीज आर प्रोजनी रोज ऑफ इंडिविजुअल प्लांट. अगर यहाँ पे सपोज करो कि 32 प्लांट है तो आपको 32 प्रोजनी रोज यहाँ पर मिलेंगी. मैंने इसमें से कुछ एक्सप्लेन की, कुछ दिखाई आपको कि अगर इस प्लांट को सेल्फ कर रहे हैं तो आगे आने वाले पूरे प्लांट जो हैं वो रिंकल्ड सीड ही प्रोड्यूस करते हैं. इस प्लांट को जब अपन सेल्फ करते हैं तो ये जो है कम्प्लीटली राउंड ही सीड प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि ये भी फिनोटिपिकली दिखने में राउंड था. तो इसको सेल्फ करते हैं तो आगे जनरेशन में ये सेग्रीगेट हो जा रहा है. इसमें कुछ प्लांट राउंड है, कुछ प्लांट रिंकल्ड है. वैसे ये वाला भी है तो राउंड और रिंकल्ड मिलता है अपने को.
तो आप अब इसको अपन F3 प्रोजेनी कर रहे हैं, तो F3 जो है वो प्रोजेनी रोज हैं, रिमेम्बर प्रोजेनी रोज हैं ये वाली। तो इस प्रोजेनी रोज में अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं ईच रो को कि ये होमोजाइगस रिंकल्ड है, दैट इज वॉट इज HW, होमोजाइगस रिंकल्ड, ये जो है वो होमोजाइगस राउंड है। वैसे ही चूंकि सेग्रीगेट कर रहा है तो राइट सेग्रीगेटिंग, सो दिस इज सेग्रीगेटिंग, तो इसको अपन सेग्रीगेटिंग लिख सकते हैं, ये भी सेग्रीगेटिंग है, ये जो है होमोजाइगस रिंकल्ड है, ये सेग्रीगेटिंग सेग्रीगेटिंग होमोजाइगस राउंड, सो दिस इज होमोजाइगस राउंड, होमोजाइगस राउंड। और आप अगर इनको पूरे को काउंट करो कि कितने क्या हो गए हैं, तो द सेग्रीगेशन विल बी होमोजाइगस राउंड सेग्रीगेटिंग और होमोजाइगस रिंकल्ड। और इसको अगर आप काउंट करें तो इसका जो फिनोटिपिक रेशियो आता है वो 1:2:1 का आता है। अपन इसको उल्टा चलने की कोशिश करते हैं, ये एक प्रोजनी, एक प्लांट जो कि रिंकल्ड है, वो पूरी की पूरी प्रोजनी जो है वो रिंकल्ड सीड ही आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओरिजिनल प्लांट है वो होमोजाइगस रिंकल्ड है। इसका मतलब है कि वो होमोजाइगस रिंकल्ड कब है, जब वो स्मॉलर स्मॉलर होता है तो, राइट। इस प्लांट से जितने भी प्रोजनी आई हैं, जितने भी सीड्स मिले हैं अपने को, जितना भी प्लांट इसमें से प्रोजनी रोज में ग्रो हो रहे हैं, वो सब के सब होम राउंड हैं, सब के सब वो राउंड हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं हो रहा, एंड वी नो इट कि अगर सेग्रीगेशन नहीं हो रहा मतलब वो होमोजाइगस है, राइट। तो इसके सेग्रीगेशन न होने से आप इसको कह रहे हो कि ये कैपिटल आर है। वैसे ही यहाँ पर अगर इसकी प्रोजनी देखते हो तो आपको लगता है कि सेग्रीगेट हो रहा है, तो सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि वो हिट्रोजाइगस होगा। अगर ये हिट्रोजाइगस है तभी वो सेग्रीगेट हो रहा है, ये भी सेग्रीगेट हो रहा है, इसका मतलब है कि हिट्रोजाइगस है। मतलब ये है कि F2 प्रोजनी के ऊपर से F2 प्लांट के जीनोटाइप को आप अंदाज लगा सकते हो। सो उल्टा चलो, अब होमोजाइगस रिंकल्ड, इसका मतलब है कि स्मॉलर स्मॉलर, यहाँ पर सभी प्लांट राउंड हैं, तो इसका मतलब है कि कैपिटल आर, ये चूंकि सेग्रीगेट हो रही है इसलिए ये कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये भी सेग्रीगेट हो रही है इसलिए ये कैपिटल आर स्मॉल आर। और इस तरह से अगर एक एक को अगर काउंट करते चलें तो इस F3 पे से इस F2 का जीनोटाइप निकाला जा सकता है। और F2 जीनोटाइप आपको क्या बता रहा है, ये आपको फिर से बता रहा है कि थ्री रिंकल्ड थे, टू राउंड, थ्री राउंड और एक रिंकल्ड में सेग्रीगेशन हो रहा था 3:1 का। और इस थ्री में, जैसे मेंडल ने कहा कि इस थ्री की अगर अपन बात करें तो इन तीन की बात कर रहे थे वहाँ पे अपन, एक उसमें से होमोजाइगस था और ये दो जो है वो हिट्रोजाइगस थे। तो अपन एग्जैक्टली वही लिख रहे हैं, एक उसमें से होमोजाइगस है और दो इसमें से हिट्रोजाइगस है, राइट। तो F3 पे से अपन F2 के जीनोटाइप को निकाल सकते हैं। जब अपन F2 के जीनोटाइप को निकालते हैं तो अपने को ये वाला चार जीनोटाइप अपने को मिलते हैं, और ये चार जीनोटाइप अपने को कब मिल सकते हैं, जब ये कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग अलग हुआ हो। और यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, राइट। अगर हम इसको फिर से शुरुआत करते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेज व्हाट, द टू अलील्स ऑफ ए जीन सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। तो चूंकि ये अलग अलग हुए थे, ये कैपिटल आर स्मॉल आर अलग अलग हुए थे, तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसलिए जब ये बनते हैं तो अपने को 3:1 का रेशो मिलता है, अपने को फिनोटिपिकली 3:1 मिल रहे हैं, और F3 जनरेशन में वो 1:2:1 का रेशो मिल रहा है। आई होप इस पूरे एक्सप्लेनेशन से ये स्लाइड आपको पूरी एक्सप्लेन करती है कि व्हाट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेज। आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस नाउ। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। सो द अलील सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। सो कुल मिला के जब भी कभी गैमेट फॉर्मेशन होगा, मियोसिस होगी, तो अलील जो है एक दूसरे से सेपरेट होंगे। देर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट्स, रेसेसिव ट्रेट्स अगेन अपियर इन F2 जनरेशन। इसलिए अगर वो ब्लेंड होता तो फिर से एज सच प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। सो दिस इज अ प्योरिटी। यूजुअली प्लांट्स आर डिप्लॉयड, ये अपन जनरली जितने अधिकतर प्लांट लिखते हैं, जब अपन यहाँ पे कैपिटल आर लिख रहे थे, तो ये केवल एक डिप्लॉयड के लिए अप्लीकेबल है। अगर कोई प्लांट टेट्राप्लॉयड है तो आपने को आर 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 चार बार लिखना पड़ेगा, और वो उसका सेग्रीगेशन पैटर्न फिर डिफरेंट होगा। सो जितनी भी अपन चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, यूजुअली वी अज्यूम कि वो प्लांट्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। सो ईच क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इन अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, राइट। डिप्लॉयड का मतलब ये है कि दो क्रोमोजोम होंगे, 2n होगा। ईच जीन हैज अ फिक्स लोकेशन ऑन द क्रोमोजोम। जितने भी जीन्स हैं जिसको कि मेंडल ने फैक्टर कहा था, वो सब जीन्स जो हैं वो क्रोमोजोम पर उसकी लोकेशन फिक्स्ड होती है। सो ईच जीन हैज अ फिक्स लोकेशन ऑन द क्रोमोजोम नोन एज लोकस, एंड सिंस देर आर टू क्रोमोजोम्स देर विल बी टू कॉपीज ऑफ ए जीन प्रेजेंट, वन ईच ऑन ईच क्रोमोजोम। सो जीन्स डू हैव अल्टरनेटिव फॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड एज अलील्स। सो अलील्स ऑफ द टू जीन्स मे हैव सेम
और डिफरेंट फॉर्म्स राइट। तो या अगर वो सेम होंगे तो उसको अपन होमोजाइगस कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल आर है या स्मॉलर स्मॉलर है, और अगर वो दोनों अलग अलग होंगे तो उसको कहेंगे हेटरोजाइगस है। तो होमोजाइगस क्रोमोजोम सेपरेट द होमो सॉरी होमोलॉगस क्रोमोजोम सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस, दस द अलील्स ऑल्सो सेपरेट ड्यूरिंग द मियोसिस। तो जब एनाफेज में क्रोमोजोम सेपरेट हो रहे होते हैं तभी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, मतलब दोनों अलील उसी वक्त वो अलग अलग हो रहे होते हैं। अपन हमेशा ये मान लेते हैं, दैट्स अजम्पशन, अजम्पशंस आर दैट द पेरेंट्स आर होमोजाइगस, अगर वो नहीं होंगे तो पूरा सेग्रीगेशन पैटर्न गड़बड़ हो जाएगा। सो वी एज्यूम, और इसीलिए जब भी कभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो पेरेंट हैज़ टू बी सेल्फ। एक्चुअली मेंडल ने भी जब वर्क स्टार्ट किया था तो ही एक्चुअली सेल्फ द लाइन्स और उसको प्योर फॉर्म में ले आए थे, तभी उसकी फिर क्रॉसिंग शुरू की थी। तो इसलिए वी एज्यूम दैट द पेरेंट्स आर होमोजाइगस। वी ऑल्सो एज्यूम दैट द जीन अंडर कंसिडरेशन इज हैविंग 100% पेनिटेंस। कई बार क्या होता है कि जीन प्रेजेंट होता है पर एक्सप्रेशन नहीं मिलता है, तो उसका पेनिटेंस 100% नहीं हो सकता है, कई बार नहीं होता है। तो वी एज्यूम, अगर ऐसा नहीं होगा तो 3:1 का प्रॉपर रेशियो नहीं मिलेगा। सो वी एज्यूम दैट द जीन अंडर कंसिडरेशन इज हैविंग 100% पेनिटेंस, और पूरा का पूरा एक्सप्रेसिविटी उसमें या जिस जो कैरेक्टर दिखना है वो दिखेगा आपके। इसी को अपन अगर क्रोमोजोम के तौर पर देखते हैं तो ये एक क्रोमोजोम है, तो ये इसका एक अलील है। सो अलील एट ए लोकस, सो ये कैपिटल जी है, यहाँ पे स्मॉल जी है, यहाँ पे कैपिटल आर है, स्मॉल है, तो ये जी का लोकस है, ये आर का लोकस है, ये एस का लोकस है, ये टी का लोकस है। तो लोकेशन इज ऑफ ए पर्टिकुलर जीन, सो दिस इज नोन एज लोकस। और जब भी कभी इसका डिवीजन होगा तो नेचुरली आपको पता है कि क्रोमोजोम पहले डबल हो जाएगा, तो एक क्रोमोजोम में दो दो क्रोमेटिड्स हो जाएंगे, दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड, और उसमें भी एग्जैक्टली वही जीन होंगे। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कैपिटल जी, यहाँ पे स्मॉल जी, नेचुरली ये वाला जो एक पेरेंट से आया हुआ क्रोमोजोम है वो आपको यहाँ पर से दिख रहा है। तो एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट से आया तो दो अलग अलग कलर जो है वो एक पेरेंट से आया हुआ क्रोमोजोम या दूसरे पेरेंट से आया हुआ क्रोमोजोम अलग अलग है। तो हमेशा क्रोमोजोम होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं, पेयर में होते हैं, इसलिए अपने को हमेशा दो दो चीज़ें मिलती है। जैसे इसी अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो आई कलर का एक लोकस है, तो यहाँ पर अगर एक आई कलर के लिए जो कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है अगर यहाँ पर है तो दूसरे क्रोमोजोम में भी लगभग उसी पोजिशन पर वो लोकस होगा। वैसे ही अगर हेयर कलर के लिए कोई लोकस है तो वो दूसरे क्रोमोजोम पर भी वो वैसा ही होगा। तो पैटर्नल एंड मैटर्नल क्रोमोजोम्स में भी जीन्स की लोकेशन फिक्स्ड होती है। सो लोकेशन ऑफ ए जीन्स आर फिक्स। कुछ ही जीन्स होते हैं जो कि जंपिंग जीन, आपको अगर याद हो तो पता भी है कि कुछ जीन की लोकेशन चेंज होती रहती है, परंतु वो एक्सेप्शनल इवेंट है, कोई बहुत कॉमन इवेंट वो नहीं है। सो यूजुअली जीन की लोकेशन हमेशा फिक्स हो सकती है। तो आपको अगर इस पूरे को देखने से ध्यान आएगा कि अपन जीन को एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी और द स्ट्रेच ऑफ डीएनए व्हिच इज ट्रांसक्राइब टू प्रोड्यूस ए आरएनए मॉलिक्यूल। अलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। लोकस द लोकेशन ऑफ ए जीन। होमोलॉगस व्हेन बोथ द अलील्स आर सेम। हेटरोजाइगस जब बोथ द अलील्स आर डिफरेंट। जीनोटाइप द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। फिनोटाइप इज द फिनोटिपिक एक्सटर्नल फिनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। राइट, सो इस को समझने के बाद एक थोड़ा सा डिफरेंट वे में शायद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन किया है। सो नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, सो यू मे बी हैविंग सम क्वेश्चंस, सो व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब आपको बताना है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के एक्सेप्शन कुछ है या नहीं है। इज इट फॉलोड फॉर द पॉलीजेनिक ट्रेट्स। इज इट फॉलोड फॉर द जीन्स विद मल्टीपल अलील्स। इज इट फॉलोड फॉर द जीन्स ऑब्लिक अलील्स फॉर द पार्शियल ओवर और प्रोडोमिनेंस। आपको क्या लगता है, ऐसा करता है कि नहीं करता है? और आपने कभी ये टर्म भी सुना है कि सेग्रीगेशन डिस्टॉर्शन भी होता है, आपको हमेशा 3:1 का रेशियो नहीं मिलता, तो क्यों नहीं मिलता, उसकी क्या वजह हो सकती है, या सेग्रीगेशन डिस्टॉर्शन क्या है? सो यू माइट बी हैविंग सम क्वेश्चंस। सो दिस इज माय ईमेल आईडी, सो यू कैन राइट टू मी satishverulkar@gmail.com और यू कैन कॉल मी ऑल्सो 9752152034 एनी टाइम। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू।